आ जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को भी खड़े करूंगा तो आप बता देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। सीपीयू की बात करते हैं, अगर एक मीडिया टेक का हाँ बताओ नाम अपना। समय शैंपी पटियाला पंजाब। बताओ कैसा लगा यहाँ पढ़कर? बहुत अच्छा। यहाँ पर जो सोचा था वो मिला आपको? सर बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा, सोचने से भी ज्यादा। ये आपने देखा होगा कि हर स्टूडेंट जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा वो एक ये चीज बोलता है कि सर मैं जितना सोच कर आया हूँ उससे थोड़ा ज्यादा मिल गया है। कोई नहीं है, हर्ज नहीं है, मैं बिल्कुल, मेरे को आप बताओ, पहली बच्ची बताओ, दिल से बोल रहे हो? मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं बुलवा रहा हूँ, पैसा भी ले चुका हूँ। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है और नंबर वन बनने वाले स्टूडेंट कौन है? वेरी गुड। और इसी तरीके से अपने आप को भी बूस्ट कीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवरत्न अग्रवाल, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, और ये है मेरा नवंबर बैच, 28 नवंबर बैच, जहां पर आए हैं अलग अलग जगह से बच्चे। और यहां पर हमारा ये हम जो भी आपको अभी वीडियो बताने वाले हैं ये हम हमेशा बताते हैं, यहां पर हम दिखाते हैं कि किस तरह से कॉम्पिटेंट हम इनको पढ़ाया है, और तीन दिन के अंदर जो हमने इनको सिखाया है, तीन दिन का आउटपुट जैसे पिछली बार भी बनाया होगा। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो अगर आपको नॉलेज है तो आप बंद देखिए, बिल्कुल वीडियो को बंद कर सकते हैं। अगर आप नॉलेज ले रहे हैं तो आप बिल्कुल वीडियो को देखिए, और अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है हमारा तो आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एसआर टेलीकॉम के यहाँ पे स्टूडेंट को तीन दिन में क्या सिखाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कॉम्पिटेंट की बात करेंगे, मैं किसी भी एक रैंडमली खड़े कर देता हूँ, जैसे तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या, कहाँ से आयो? नौशाद, हरियाणा। तो नौशाद ये बताओ, रजिस्टर क्या काम करता है मोबाइल फोन में? रजिस्टर मोबाइल में काम करता है, करंट को अवरोध करने का। बिल्कुल, करंट को अवरोध करने का काम करता है। अब ये बताओ रजिस्टर में कोई तीन प्रकार के कोई भी रजिस्टर बता दो। नॉर्मल रजिस्टर और तीन प्रकार के कोई भी, कोड रजिस्टर और तीसरा कौन सा और रजिस्टर हो सकता है? नॉर्मल रजिस्टर, कोड रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर। अब बताओ ये कि इन तीनों में से किसको जंपर लगा सकते हैं और किसको जंपर नहीं लगा सकते हैं? सिंपल रजिस्टर को जंपर लगा सकते हैं, हाँ, और फ्यूज रजिस्टर को जंपर लगा सकते हैं, कोड रजिस्टर को जंपर नहीं लगा सकते। अब ये बता दो ये कोड रजिस्टर मुझे किस विभाग में मिलता है मोबाइल के, किस सेक्शन में? चार्जिंग सेक्शन में, बैटरी का। और ये बता दो ये चार्जिंग आईसी के इनपुट में मिलेगा कि चार्जिंग आईसी के आउटपुट में मिलेगा? ये चार्जिंग आईसी के इनपुट में मिलेगा, आउटपुट, हाँ आउटपुट। तो ये किस सेक्शन में मिलेगा? चार्जिंग सेक्शन के। चार्जिंग आईसी के कौन से सेक्शन, इनपुट में कि आउटपुट में? आउटपुट में। ये चार्जिंग आईसी के आउटपुट में लगेगा। सीरीज में लगा होता है कोड रजिस्टर की पैरेलल लगा होता है? सीरीज लगा होता है। जैसे एक कोड रजिस्टर लगा है R200, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? R200.200। तो ये वैल्यू कितना हो गया, एक ओम्स की 0.2 ओम्स, कितना? 0.2 ओम्स। तो ये क्या ये पैलर में लगाना उचित रहेगा इसको? नहीं। कारण पैलर में भी क्यों नहीं, क्योंकि सर अगर मान लो पैलर में लगा भी है तो क्यों नहीं लगा है? नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा है? सर शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट हो जाता है क्योंकि वो भाई बीप मारता है। कितने ओम्स, कितने टोटल ओम्स में रेजिस्टेंस में बीप आती है? 100 ओम्स से नीचे, तो वो हाई वैल्यू लो वैल्यू रेजिस्टेंस है। चलिए ठीक है, अब ये बताओ कि फ्यूज रजिस्टर किस विभाग में लगा मिल सकता है? फ्यूज ये स्पीकर सेक्शन में लगा, स्पीकर सेक्शन में मिल सकता है। और ये जनरली क्या काम करता है फ्यूज रजिस्टर? ये फ्यूज रजिस्टर उसका काम करता है प्रोटेक्शन का काम करता है कि ज्यादा करंट आ जाने पर ये फ्यूज अपने आप को ओपन कर देता है। और ज्यादा करंट इसलिए आ सकता है क्योंकि हम वो बड़े बड़े स्पीकर लगा देते हैं अपने मोबाइल फोन में, इसलिए स्पीकर सेक्शन में लगा होता है। कैसे लगा होता है, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। इसको हम पैरेलल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसके ऊपर क्या लिखा होता है? जीरो लिखा होता है। तो बहुत बढ़िया, इन्होंने बताया, इनके लिए ताली बजा दो यार। तीनों चीजों को देखा है यहाँ पर, प्रैक्टिकल किया है यहाँ पर, है ना, किस किस सेक्शन में किया है। ठीक है चलो, और भी पूछेंगे यहाँ पर। अब हम जैसे हमने यहाँ उठाया, आपका नाम बताओ? नवाज़। कहाँ से? हैदराबाद से। तो आप ये बताओ कि तीन रजिस्टर उसने बता दिए, और बाकी के कौन से रजिस्टर हो सकते हैं वो बता दो। चलो चर्चा कर लेते। कोड रजिस्टर बता दिया इनने, फ्यूज रजिस्टर बता दिया है, नॉर्मल बता दिया है, और कौन से? थर्मिस्टर। चलो वीडीआर बताओ, एक वीडीआर भी होता है? हाँ सर। वीडीआर क्यों लगा होता है? वोल्टेज को प्रोटेक्ट कर रहा है। वीडीआर का फुल फॉर्म बताओ? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। चलिए ठीक है, वीडीआर में थर्मिस्टर पूछ रहा हूँ, थर्मिस्टर क्यों लगा होगा?
रजिस्टर अगर पीसीबी के अंदर वोल्टेज ज्यादा हो रहा तो अपने वोल्टेज बढ़ा देता है, वोल्टेज अपना रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, वेरी गुड। तो इसीलिए थर्मिस्टर लगा होता है यहाँ पर, इससे कंपोनेंट और आईसी खराब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलिए खड़े हो, अभी बताओ सिंपल रजिस्टर को चेक करना है तो क्या मल्टीमीटर में शो नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मतलब अगर वो ओपन होगा तो क्या होगा? ओपन होगा तो वन आएगा बीप आए, अगर मान लीजिए 001 आ रहा है और प्लस बीप भी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अगर किसी मल्टीमीटर को किसी रजिस्टर को चेक करते समय अगर बीप के साथ में मुझे रेजिस्टेंस भी मिल रहा है और बीप मिल रहा है तो क्या वो शॉर्ट होगा? नहीं होगा क्योंकि वो रजिस्टर शॉर्ट नहीं होते हैं, वो ओपन ही हो जाते हैं, तो वो उसका मान होगा क्योंकि कितने भी ओम्स का लगा हो सकता है, वो 0 ओम्स का भी हो सकता है और हाई ओम्स का भी हो सकता है, और हाई ओम्स कितने ओम्स के ऊपर होते हैं? 10 एम, मतलब कितने भी हो सकते हैं। और कैसे पता चलेगा कोई हाई वैल्यू है या लो वैल्यू है, कैसे पता चलेगा? 20K पे रख के पता कर सकते हैं, या तो सर जिस पर बीप आना बंद हो जाएगी तो 100 ओम्स के कम तो वो लो वैल्यू हो जाएगी, उसके ऊपर लगे वैल्यू वो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड बैटरी। चलिए एक बार इनके लिए तारीफ बजाइए क्योंकि बताया है। चलो तो यहाँ पर अब कहाँ से आया, नाम बताइए। मेरा नाम राज मोहम्मद है, मुंबई से आया। मुंबई से आया, अच्छा मुझे ये बताओ कि कैपेसिटर कौन से दो प्रकार के लगे होते हैं? कैपेसिटर ना सर एक दो प्रकार के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। सबसे ज्यादा कैपेसिटर कौन से लगे होते हैं? सबसे ज्यादा कैपेसिटर हाँ कौन से वाले लगे होते हैं सबसे ज्यादा? पोलर लगे होते हैं कि नॉन पोलर लगे होते हैं मोबाइल फोन में? नॉन पोलर भी लगे होते हैं और पोलर भी लगे, नॉन पोलर लगे, नॉन पोलर। पोलर तो अभी तो बिल्कुल बंद ही हो चुके हैं। ठीक है, अगर पोलर में क्या मतलब है, वर्ड क्या होता है पोलर? क्या पोलर में एक सिरा उसका प्लस का, बिल्कुल प्लस माइनस होता है, मतलब सर पोलर होगा तो प्लस माइनस होगा, नॉन पोलर होगा तो प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, कहाँ सबसे ज्यादा लगे मिलेंगे? सबसे ज्यादा पावर आईसी के ऊपर। अच्छा, कहाँ के कैपेसिटर नहीं निकालने चाहिए अगर एक टेक्नीशियन को? पावर आईसी के ऊपर। और दूसरा लाइट सेक्शन के पास और पावर आईसी के पास, कॉइल के पास रहता है कैपेसिटर, क्योंकि बूस्ट कॉइल के आसपास का। क्यों निकाल दोगे तो बूस्ट नहीं करेगा, बूस्ट नहीं करेगा, इसलिए एज अ टेक्नीशियन कहीं से भी नहीं निकालना चाहिए। कैपेसिटर निकालो तो उसको क्या कर देना चाहिए? एक कैपेसिटर अगर शॉर्ट होगा तो क्या बताएगा? कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो बीप दिखाएगा। मल्टीमीटर को कौन से मोड पे रखना पड़ेगा? बीप रेंज पे। अगर कैपेसिटर लीकेज होगा तो कैसे पता करना पड़ेगा? लीकेज होगा तो किस तरह से पता चलेगा? उसको निकाल के 20K पे रख के बिल्कुल चेक करेंगे, अगर वैल्यू आ गई तो फिर लीकेज है, और नहीं आई तो फिर नहीं आई है। अच्छा ये बताइए कि जो पोलर कैपेसिटर होता है वो काम क्या करता है? नॉन पोलर कैपेसिटर काम क्या करता है? जनरली कैपेसिटर ही क्या काम करता है? कोई भी कैपेसिटर दोनों एक ही काम करते हैं, क्या काम करते हैं? कैपेसिटर फिल्टर का काम करता है। फिल्टर क्या फिल्टर करता है? ये अपना डीसी को फिल्टर करता है, भी करता है। किस चीज से फिल्टर करता है, क्यों करना पड़ता है? मान लो कैपेसिटर नहीं लगाया तो जैसा तुमने बताया कि बूस्ट कॉइल को बूस्ट होना चाहिए, तो वो किस चीज से फिल्टर करता है ये भी बताइए सर। अगर वो सीरीज में लगा है तो डीसी में, मतलब जब एसी को एसी से डीसी बदलता है एक डायोड, तब वो प्योर डीसी नहीं होता है, तो उसको फिल्टर करने के लिए क्या लगाते हैं? पैलर में कैपेसिटर। और दूसरा काम क्या होता है? स्टोर करता है। और तीसरा काम क्या होता है? बल्ब जलता है बंद हो जाता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग करता है। वेरी गुड, यहाँ पे कैपेसिटर का इन्होंने बताया, सारी चीज उन्होंने सही बताई है कैपेसिटर के बारे में, सारी चीज सही बताई है इन्होंने, कुछ इन्होंने गलत तो नहीं बताया कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, वेरी गुड कैपेसिटर। अब चलो अच्छा मान लो कि एक कैपेसिटर पैरेलल लगा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो पैरेलल लगा है कि कैसे लगा है, सीरीज लगा है? सर एक तरफ बीप आएगी और एक तरफ रीडिंग आएगी। मल्टीमीटर को किस मोड पे रखा है ये मैं नहीं पूछने वाला, आपको पता है ना? ठीक है, अगर मुझे बताओ एक स्पीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें कितने कैपेसिटर हो सकते हैं? दो कैपेसिटर और कितने कैपेसिटर हो सकते हैं? तीन कैसे कैसे लगे होंगे? दो सीरीज में नहीं दो पैरेलल और एक उन दोनों के बीच में सीरीज में, दिखाया था ना मैं आपको, सीरीज में नहीं होते हैं वो, होते पैलर में ही। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बात करते हैं डायोड, बताइए डायोड क्या काम करता है? डायोड सर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। डायोड की चेकिंग बताइए, एक तरफ से बीप आएगी, रीडिंग आएगी, एक तरफ से एक आएगा। अगर रीडिंग 1500 आ रही है और एक तरफ से एक आ रहा है तो क्या होगा? डायोड खराब, लीकेज माना जाएगा। अगर मान के चलिए कि दोनों तरफ एक आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? ओपन है। और अच्छा ये बताओ डायोड सीरीज में भी लगा हो सकता है या पैलर है, या सिर्फ सीरीज में लगे होते हैं या पैलर, या कैसे लगे हो सकते हैं? सीरीज में भी लगे होते हैं, पैलर में लगे। सबसे ज्यादा डायोड कैसे कनेक्शन में लगे होते हैं? पैलर में होते हैं। काम क्या करते हैं पैलर में लगे होने का? पैलर में वो जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं क्योंकि ये डायोड इनका प्लस सिरा कहाँ होता है? डायोड का प्लस सिरा ग्राउंड ग्राउंड में होता है,
प्लस सिरा ग्राउंड में होता है, क्योंकि अगर उल्टा लगा देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा सर्किट। सीरीज में कहां कहां लगे मिल सकते हैं? सीरीज में चार्जिंग सेक्शन में, सीरीज में इनपुट में कि आउटपुट में? इनपुट में और लाइट सेक्शन और दूसरे कौन से सेक्शन में? लाइट सेक्शन में डायोड लगे मिल सकते हैं। तो हमें उन डायोड को बदलना है, हमको उसको निकाल के जम्पर नहीं माने, क्योंकि ये एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, इनको हमको बदलना ही है। अच्छा, कहाँ से बदलोगे सर? सीधा तो सेम पीसीबी से, सेम सेक्शन से, नहीं तो मार्केट से लाना पड़ेगा। सेम मतलब हमें सेम सेक्शन ही चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बताया डायोड ये भी। अच्छा, डायोड लाइट सेक्शन में सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है? कोल्ड टेस्टिंग करके पता करेंगे सर, दोनों तरफ से रीडिंग आएगी। तो फिर वो सीरीज में कितने से कितना रीडिंग होना चाहिए, अनुमानित बता दो? 250 से 2000, क्योंकि उसके नीचे रीडिंग आया उसके ऊपर आया तो वो एक हाफ शॉर्टिंग माना जाता है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। तो क्या नाम है? मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो सूरज जी बताइए कि एक कॉइल क्या काम करता है? कॉइल सर करंट को लेवल करने के लिए सर, लेवल बैलेंस करता है जी सर। तो कॉइल बेसिकली डीसी को पास करता है जी सर। ठीक है, तो कॉइल में अगर मल्टीमीटर से चेक करें तो क्या आनी चाहिए? बीप आनी चाहिए। और अगर मान लीजिए हो सकता है कॉइल लीकेज भी हो गया हो तो उसका कितना ओम्स होता है जो मल्टीमीटर में चेक करते हैं? 0.5 से 2.5। मल्टीमीटर को किस मोड पे रखोगे? 200 ओम्स में कितने से कितना आना चाहिए? 0.5 से 2.5। अगर इससे कम ज्यादा आता है तो कॉइल को हम चेंज करेंगे। अच्छा, कॉइल अगर ये सीरीज में पैलर है तो आपको नॉर्मल पता है कि सीरीज भी लगा हो सकता है पैलर भी। कॉइल का एक और प्रकार बता दो, कौन सा है? दो प्रकार बता दो, कोई दो कॉइल के प्रकार बताइए, टाइप ऑफ कॉइल्स। सर एक बूस्ट कॉइल होता है, एक बूस्ट कॉइल होता है और दूसरा डुअल कॉइल होता है। और एक और कॉइल के कॉम्बिनेशन को एक और चीज बोलते हैं ना, तीन कॉइल या चार कॉइल मिल जाते हैं तो कपलर। तो चलो बूस्ट कॉइल की बात करते हैं। बूस्ट कॉइल क्या काम करता है सर? वो बूस्ट का काम करता है, बूस्ट का काम करता है बूस्ट। तो ये कहाँ कहाँ लगे मिलते हैं सर? ये मोस्टली पावर सेक्शन में, पावर सेक्शन में। और दूसरा कहाँ लगा मिल जाएगा आपको? लाइट सेक्शन में और पावर सेक्शन में मिल जाएगा। बूस्ट कॉइल को आप हटा के जम्पर लगा सकते हो क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर वो बूस्ट नहीं करेगा, बूस्ट नहीं करेगा, जम्पर बूस्ट कभी नहीं करता है। एक बूस्ट कॉइल के लिए कौन सा एक और कॉम्पोनेंट होना जरूरी है वो बूस्ट न करे? कैपेसिटर, क्योंकि वो प्योर डीसी को बूस्ट करता है। तो इसलिए हम पावर आईसी के भी बूस्ट कॉइल नहीं निकाल सकते और ना ही कैपेसिटर, ना ही लाइट आईसी के कैपेसिटर। ये बताइए कि डुअल कॉइल सबसे ज्यादा कहाँ लगे मिलते हैं सर? डिस्प्ले सेक्शन में, डिस्प्ले सेक्शन में, कैमरा सेक्शन में, आपके टच करेक्टर कुछ भी सेक्शन में, सीरीज में ग्राफिक्स के लिए लगे होते हैं। डुअल कॉइल और कपलर हमेशा कैसे होंगे, सीरीज में होंगे कि पैरेलल होंगे? सीरीज में, हमेशा सीरीज में होंगे। सीरीज कंपोनेंट सब चेक करना आता है आपको, रजिस्टर चेक करना आता है, डायोड चेक करना आता है, मतलब कंपोनेंट सारे आपको बनते हैं यहाँ पर। सीरीज पैरेलल आता है आपको। चलिए स्पीकर की बात करते हैं। अगर एक रिंगर को चेक करो, सिर्फ रिंगर को, उसका कितना आना चाहिए? 28 से 32। रिंगर का ये तो आपने ईयर पीस का बता दिया, रिंगर का 8 to 10। और बीप भी बजना चाहिए। बीप क्यों बज रहा है? क्योंकि सर वो सौम से कम का है। अगर आपने टिप्स पे गए एज अ टेक्नीशियन तो टिप्स पर कितना आना चाहिए रेजिस्टेंस? सर वैल्यू बराबर होनी चाहिए। और कितने से कितने तक का? 250 से 2000। 250 से 2000 आना चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों पर वैल्यू बराबर आ रही है उसके बाद एक और चेकिंग क्या करेंगे आप? तो बताइए दोनों पर रख के क्या चेक करेंगे आप? सर टेस्टिंग करेंगे दोनों पर, बीप तो नहीं आ रहा है। अगर दोनों पर बीप आया, जैसे तुम बताओ, अगर मान लो मुझे दोनों पर, इनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार। अगर दोनों पर बीप आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा कॉम्पोनेंट खराब हो सकता है? दोनों को कपलिंग करता है वो सीरीज में नहीं, पैरेलल में होता है कैपेसिटर। आओ तुम ही आओ। तो यहाँ पर हमने रजिस्टर देखा, आपका नाम बताओ? मेरा नाम जसकितन साहू है, मैं उड़ीसा से हूँ। आपका हमने रजिस्टर देखा, यहाँ हमने देखा कॉइल देखा, यहाँ पे हमने अभी कपलर की बात करते हैं। कपलर को कैसे चेक करते हैं बताइए? कपलर को इधर से उधर बीम मोड में, मतलब एज अ कॉइल चेक करते हैं। उसमें कितने कॉइल लगे हो सकते हैं कपलर में? 4 कॉइल, 3 कॉइल से ज्यादा, तीन और चार लगे होते हैं। क्योंकि अगर 2 लगे होंगे तो वो क्या हो जाएगा? डुअल कॉइल हो जाएगा। तो अगर एक जगह पे रीडिंग नहीं आई और एक जगह पे आ रही है तो क्या आप वहीं पे जम्पर मारेंगे या क्या करेंगे आप? नहीं, इधर से उधर का जम्पर करेंगे, जम्पर करेंगे तो, जैसे तो क्या पूरा कपलर निकलेगा उसके लिए? दोनों को निकालना पड़ेगा, मतलब पूरे कपलर को निकालना पड़ेगा और चारों के टिप्स में हमें क्या मारने पड़ेंगे? जम्पर मारने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ये बता, ट्रांजिस्टर मैं तुमसे पूछता हूँ, ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के कौन से प्रकार है? ट्रांजिस्टर एनपीएन टीएनपी। तो कहाँ लगे मिल सकते हैं ट्रांजिस्टर? जहाँ पर हमको सिग्नल को रेगुलेट करना होता है, स्विचिंग करना होता है और या एम्पलीफायर करना, वहाँ पे लगे मिल सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर कहाँ मिल सकते हैं उसके अलावा?
ये चार्जिंग सेक्शन में मिल सकते हैं और पुराने जो नोकिया के मोबाइल है वो लाइट सेक्शन, लाइट आईसी ऐसा ट्रांजिस्टर जैसा लगा होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में तीन इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कलेक्टर, एक बेस और एक एमिटर। तो आप किसी भी ट्रांजिस्टर को पहचान लोगे कि वो एनपीएनए की पीएनपी है, आता है आपको? सरल है उसमें, बहुत सरल है। ठीक है, चलिए और अब हम इसकी बात करते हैं, ट्रांजिस्टर हमने ये बात कर लिया, और भी नहीं तो सारे कॉम्पोनेंट ही हो गए इस तरह से। हमने रजिस्टर देखा, हमने डायोड देखा, हमने कपलर देख लिया, हमने ट्रांजिस्टर देख लिया, हमने कॉइल देख लिया। आईसी की बात कर लेते हैं, अगर एक मीडियाटेक का पावर आईसी है तो वो किस नंबर का शुरू हो सकता है? 63 से। बैठ जाइए, चलिए इनके लिए ताली बजा दीजिए यहाँ से। आओ भाई आ जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को भी खड़े करूंगा तो आप बता देंगे यहाँ पर? ठीक है ना, सीपीयू की बात करते हैं, अगर एक मीडियाटेक का, हाँ बताओ नाम अपना। सर मैं शैम्पी पटियाला, पंजाब। बताओ कैसा लगा यहाँ पढ़कर? बहुत अच्छा। यहाँ पर जो सोचा था वो मिला आपको? सर बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा, सोचने से ज्यादा। ये आपने देखा होगा कि हर स्टूडेंट जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा वो एक ये चीज बोलता है कि मैं जितना सोच कर आया हूँ उससे थोड़ा ज्यादा मिल गया है। तो यहाँ पर हम एक और सज्जन को दिखाएंगे, राजेश हमारे, तो आ जाइए, अब नाम ले दिया है तो। ये हमारे आईसी रिबोलिंग किंग है हमारे राजेश, ये हमारे एज स्टूडेंट है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो राजेश इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? राजेश सर के साथ बहुत अच्छा, सपोर्ट देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं ये। रात को हमारे साथ रहते हैं 2-2 बजे तक। 2-2 बजे तक कौन इंस्टीट्यूट में रात में क्लास को पढ़ाता है भाई? कोई पढ़ाता है क्या इंस्टीट्यूट में यहाँ पर? टेलीकॉम पढ़ाता है यहाँ पर, वेरी गुड। चलिए ठीक है, यहाँ पे बताओ अब एक मीडियाटेक का सीपीयू में कौन कौन सा नंबर लगा हो सकता है? 6267। अच्छा अच्छा, अब वाईफाई आईसी होगा तो कौन सा नंबर लगा होगा? 566। और अगर आरएफआईसी होगा तो? 61। अगर पीएम एक आईसी है तो वो कौन सा आईसी हो सकता है? पीएम लिखा हुआ है खाली। क्वालकॉम का कौन सा आईसी? पावर आईसी। वेरी गुड, यहाँ पे इन्होंने ये चीज बताई है। अच्छा ये बताओ कि ट्रेसिंग आपको समझ में आ गई कि ट्रेसिंग करना है तो कैसे करना होता है? ट्रेसिंग मतलब जैसे अगर मान लो मेरे स्पीकर में एक सिरा ओपन हो गया है तो मैं उसको कैसे ढूंढूंगा? कोल्ड टेस्टिंग करनी पड़ेगी पहले। पूरा तरीका बता दो एक बार। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक स्पीकर आया है, और वो काम नहीं कर रहा है तो तुम शुरू से बता दो क्या क्या कर सकते हो, जबकि मैंने वो सेक्शन करवाया नहीं अभी। करवाया क्या स्पीकर सेक्शन कराया क्या? कल होना है जबकि, बताओ। सर पहले हमने करनी पड़ेगी उसकी रीडिंग, वैल्यू चेक करनी पड़ेगी सेम है कि नहीं है। बिल्कुल सेम नहीं है तो फिर कोल्ड टेस्टिंग भी हमें जाना है। अगर मान लीजिए आज तीन क्या बड़े फॉल्ट आ सकते हैं? तीन ही फॉल्ट आ सकते हैं जी। सर एक तो आएगा शॉर्ट, बिल्कुल बीप आ जाएगी उस पर। हाँ जी, फिर एक आएगा लीकेज आएगा, और दूसरे थर्ड आएगा सर ओपन आएगा। मान लो तुम्हें ओपन आ गया, एक सिरे पे आ रही है 500 और एक सिरे पे 1 आ रहा है, तब तुम क्या करोगे उसके बाद? कंटिन्यूटी, मतलब आप उसकी ओपन, क्योंकि ओपन लाइन हो जाती है तो हमेशा क्या ओपन होता है, कौन सा कॉम्पोनेंट ओपन होता है? सीरीज की पैरेलल सीरीज। और सीरीज में कौन से दो कॉम्पोनेंट बस लगे मिल सकते हैं? रजिस्टर या फिर कॉइल। क्या लगे मिल सकते हैं? रजिस्टर या फिर कॉइल। रजिस्टर में भी कौन से रजिस्टर? स्पीकर सेक्शन की बात हो रही है, उसमें भी कौन से रजिस्टर? फ्यूज रजिस्टर में भी कौन से रजिस्टर? फ्यूज रजिस्टर लगे मिल सकते हैं। तो आपने ये तरीका आपको पता है ना यहाँ पे करवाया ना कि कंटिन्यूटी कैसे करते हैं? आपको एक टेक्निक भी बताई है, उससे कंटिन्यूटी करना आसान हो गया आपके लिए? मतलब आप बड़े बोर्ड में भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि कहाँ पे जा सकते हैं कहाँ पे नहीं आ सकते। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, के लिए ताली बजा दीजिए। तो चलिए दोस्तों ये था बहुत शॉर्ट में एशिया टेलीकॉम के नवंबर बेंच का एक अपडेट और एक आउटपुट आपके लिए, अगर आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी जिनको पता है वो वीडियो पहले बंद कर चुके होंगे अगर आपको पता है, या अगर मेरे हिसाब से देखा जाएगा मुझे पता है तो वो भी मैं वीडियो देखूं इस वजह से, क्योंकि हो सकता है कुछ नई चीज और मैं जान जाऊं। जैसे आज हमने मीडियाटेक आईसी और बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है, अगर आपने इसको बढ़ा के देखा हुआ है तो मेरा ये राय है कि आप इसको पूरा सुनिए। ये हमारे स्टूडेंट के लिए भी है और ये आपके लिए भी है, और ये चीज बताने के लिए भी है कि 3 दिन में आप कितना यहाँ पे सीख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहे इसी तरीके से, प्यार करते रहे। और आपने देखा यहाँ पर कि कितना आपको यहाँ पर मेहनत मिली है और मेहनत का डोज आपने कितना बढ़ाया है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहे और इसी तरीके से थैंक यू। ये तालियां आपके लिए। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं एशिया टेलीकॉम या फिर स्मार्ट डेवलपर, मैं बताना चाहता हूं कि ये है मेरी मोबाइल सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग की बुक, और ये अब आ चुकी है और ये मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है दोस्तों। तो इस बुक को अगर आपको परचेस करना है
तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो आप इसमें देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं मैंने इसकी परचेस लिंक इस वीडियो में जरूर डाली होगी। बाकी अब इस बुक को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। आईफोन को कैसे फ्लैश करते हैं, इसमें सोनी, ब्लैकबेरी, ऑसस, एमआई, सौमी, सैमसंग और मीडियाटेक के या कॉलकम के ड्राइवर कैसे चलाते हैं, सारी इसमें जानकारी चित्र के साथ दी हुई है। काफी अच्छी बुक है और काफी सस्ती है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। Announcing 9001 and 2008 Certify Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Announcing 9001 and 2008 Certify Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.